गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टू लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर आज मैं बात करूंगा सुपर फूड के बारे में दैट इज फ्लैक्सीड ये बात सही है कि अलसी का जहां तक सवाल है या फ्लैक्सीड का जहां तक सवाल है ये फॉर डिकेड्स हमारा जो कल्चर है उसमें यूज होती आई है लेकिन वास्तव में इसको साइंटिफिकली एनालाइज शायद नहीं किया गया आज मैं इसे साइंटिफिक एनालिसिस की कोशिश करूंगा नाउ बिल्कुल फैक्ट है कि जो फ्लैक्सिड हैं यह बहुत जन सेंचुरी से यूज होते रहे हैं लेकिन रिसर्च का ऐसा मानना है कि वास्तव में सुपर फूड की कैटेगरी में आता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो अलसी है उसको ऐसे ही निकल जाए अगर आप अलसी को प्रॉपर या जो आई मीन फ्लैक्सीड है उसको प्रॉपर चबा के यूज नहीं करते हैं या उसको ग्राउंड करके यूज नहीं करते हैं तो ये आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं देती है इसलिए बहुत सारे लोग जो फ्लेक्सीड है इसको वास्तव में ओवरनाइट पानी में रखते हैं ताकि वो सोख हो जाए और उसके बाद उसको यूज करते हैं नौ अगर हम देखें कि इसके जो ना बेनिफिट अगर हमको इसको लेना है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी ज्यादा मात्रा की फ्लेक्सीड या अलसी को यूज करने की जरूरत है आपको रोज सिर्फ एक चम्मच अलसी या फ्लैक्सड लेने की जरूरत है इंडिया शायद आपको हेल्थ बेनिफिट देती है विच आर इन्यूमरेबल ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जो अलसी के सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड के सीड्स हैं इनको पाउडर फॉर्म में कर लें एंड पाउडर फॉर्म में करके आपको इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं नाउ लुक एट दी आई मीन कंपोनेंट जो वास्तव में आपको हेल्प करते हैं नंबर वन पर आता है ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स यह बात बिल्कुल सही है कि जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं यह हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती बात बिल्कुल सही है कि द डोमिनेंट सोर्स जो ओमेगा थ्री के हैं दे आर नॉन वेजिटेरियन आर बेसिकली फिश बेस्ड जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें उमेगा थ्री के जो सोर्सेज हैं दे आर क्वाइट लिमिटेड लेकिन फ्लेक्सिड इज वन जिसमें उमेगा थ्री गुड अमाउंट में पाया जाता है जहां तक उमेगा उमेगा थ्री का सवाल है यह बात बिल्कुल सही है को उमेगा थ्री फैटेट आपकी बॉडी को चाहिए आपके ब्रेन के ऑप्टिमम फंक्शनिंग को चाहिए आपके हार्ट के जो एक ऑप्टिमम फंक्शनिंग है उसके लिए चाहिए आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप करने के लिए आपको ओमेगा थ्री की जरूरत है तो रोज अगर आप एक टेबल स्पूनफुल, माइंड माइंडियो रोज अगर आप एक टेबल स्पून

है किसी भी दूसरे प्लांट सोर्स से इसका मतलब यह है कि फ्लैक्स सीड का जो यूज है वो काफी मात्रा में आपको लिग्ने देता है विच आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लुक एट द फाइबर जहां तक फाइबर का सवाल है आप ध्यान से देखें कि जब आप अलसी या सीड खाते हैं तो अगर आप एक चम्मच खाते हैं तो वास्तव में आपके पेट में जाकर होती है तो इट बिकम्स नाइन टाइम्स तो जो अलसी है वो स्वेल होती है या जो सीड है स्वेल होता है और गुना इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इसमें बहुत सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और इन सॉल्यूबल होते हैं जैसा मैंने कहा जब ये दोनों तरह के जो फाइबर हैं ये आपके डाइजेशन को हेल्प करते हैं और चूंकि ये इतने स्वेल हो जाते हैं इस में, तो आपके स्टमक तो तो में फीलिंग होगी तो वास्तव में आप नेक्स्ट मील ओवर ईट नहीं करेंगे अगर आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि हाई फाइबर कंटेंट के चलते जो फ्लेक्सीड है

पुरुषों को होता है नंबर टू पर आता है ब्रेस्ट कैंसर जो बाई एंड लार्ज फीमेल्स को होता है और नंबर तीन पर आता है कोलन कैंसर जिसका इंसिडेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है तो अगर आपको ये जो कैंसर हैं इनसे अगर बचना है या इनका जो इंसिडेंस है वो नीचे करना है तो आपको फ्लेक्सीड यूज करने की जरूरत है इसमें कुछ कंपाउंड हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी लेके चलते हैं जो फ्लैक्सिड्स हैं वास्तव में उसमें जो ओमेगा थ्री है साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो ट्यूमर्स हैं इनकी ग्रोथ और इनकी इंसिडेंस दोनों का दोनों को नीचे की तरफ लेके चलता है और जो लिग्नेंस होते हैं फ्लैक्सिड में वास्तव में ये कुछ एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं इंटरफियर करते हैं एंड जो ट्यूमर हैं उनकी ग्रोथ

30 फ्लेक रोज किया 6 तो उनका जो ब्लड प्रेशर है, है वो धीरे mm mm मतलब धीरे नीचे हुआ इस फ्लैक्सीड के यूज से एक लार्जी स्केल स्टडी थी दिस वॉज मल्टी सेंट्रिक स्टडी माना कि अगर आप लार्ज अमाउंट फ्लेक्सीड या अल्सी यूज करते हैं 30 day, लेकिन दो mm तो मिलीमीटर से क्या फर्क पड़ता, mm पड़ता है लेकिन जो दो मिलीमीटर mm है इसको आप नजरअंदाज मत करिए साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर दो मिलीमीटर mm जो ना कम हो जाता है परसिस्टेंटली तो जो एक रिस्क है ऑफ फ्रॉम स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक उसकी रिस्क दस mm तो परसेंट कम हो जाती है तो दो मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज दोनों काफी नीचे की तरफ जाती है Now, जहां तक, I mean, जो प्रोटीन है इनमें अच्छी मात्रा में होता है फ्लेक्सीड में कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको ध्यान से देखें इसमें अर्जिनिन होता है इसमें एस्पार्टिक एसिड होता है इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है ये तीनों इस तरह के एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं अगर हम फ्लेक्सिड इस्तेमाल करते हैं तो नौ अगर प्रोटीन हम ठीक यूज करेंगे विद द द आई मीन हेल्प ऑफ तो आपका जो इम्यूनिटी का फंक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा दैट्स नंबर आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा दैट्स नंबर तो, और इसमें कुछ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं तो आपको फंगल इंफेक्शन का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आता है ऐसे ही जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे ट्यूमर्स उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एनहांसमेंट उनको कट करने की ताकत रखते हैं ये प्रोटीन प्लस उनके जो स्प्रेड है उनको रोकने की ताकत रखते हैं न प्रश्न ये उठता है कि आज ये जो फ्लेक्सीड्स हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं इतने हेल्पफुल हैं तो वास्तव में हमें किस तरीके से इनको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए देखिए इट इज वेरी सिंपल इट इज वेरी इजी आप अगर दही इस्तेमाल करते हैं योगर्ट लेते हैं तो कुछ मत करिए एक चम्मच जो फ्लैक्सीड है उसमें आप मिक्स कर लीजिए वो धीरे धीरे स्वेल हो जाएगा आप जब दही इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्लैक्सीड है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चले जाएंगे आप फ्रूट्स खाते हैं तो जो आपके सो रखे हुए हैं फ्लैक्सीड उनके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए या ड्राई स्प्रिंकल कर दीजिए और आप खाएंगे तो उनको चबा के खा जाइए या आप कोई भी स्मूथीज जो ना बना रहे हैं जो स्मूदी बना रहे हैं उसमें आप फ्लैक्सीड मिक्स कर दीजिए एंड ड्रिंक इट वो शोक ऑलरेडी वो चले जाएंगे जो आप ब्रेकफास्ट सीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो है इसको स्प्रिंकल करिए एंड ईट देम बहुत सारे लोग जो फ्लेक्सीड है वो गांव में इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं कि इनको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं और ये जो पाउडर है ये आटे में मिला देते हैं तो जो आप रोटी बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं पराठा बनाते हैं उसमें वास्तव में ये जो फ्लेक्सड का आटा है वो सामान्य जो गेहूं का आटा है उसमें मिक्स होता है एंड इट हेल्प्स यू आउट एंड बहुत ज्यादा इस की जरूरत नहीं है साइंटिफिकली में ऐसा माना जाता है कि आप एक से तीन चम्मच या एक टेबल स्पून अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोज तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं जो शायद काफी इंपॉर्टेंट हैं तो अगर हम रोजमर्रे की जिंदगी में देखें तो जो सीड का जहां तक सवाल है इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है यह जो बहुत सारी डिजीज है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको ओमेगा थ्री बड़ा इजिली मिल जाता है फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पर्टिकुलरली फिश लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं जो वॉलनट है वोगा ठीक लेके चलता है है उसे आपको हेल्प होती है इसके बाद नंबर आता है फ्लैक्स सीड का फ्लैक्स सीड में काफी अच्छी मात्रा अमाउंट में ओमेगा थ्री होते हैं तो इसे आप अगर रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो ओमेगा थ्री ठीक से मिलेगा तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग आपके हार्ट की फंक्शनिंग एंड आपका इम्यूनिटी का सिस्टम ये तीनों आई मीन ऑप्टिमाइज हो जाएंगे एंड ऑप्टिमम से काम करेंगे अगर अलसी या फ्लेक्सीड जैसे सुपर फूड को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच